में 6 लोगों की हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कल देर शाम तक मृतक प्रेमचंद यादव के घर और जमीन की पैमाइश हुई, जिसके बाद में ये बात सामने आई कि प्रेमचंद यादव ने खलिहान और साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया था। ये पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और शासन की हरी झंडी मिलने के बाद में मृतक प्रेमचंद यादव ने जो अवैध रूप से कब्जा किया है उस पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त किया जाएगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं प्रेमचंद यादव के घर पे। आप ये साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ जो है पुलिसकर्मी मौजूद हैं, और ये जो पीछे घर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रेमचंद यादव का है। कल जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के कई कर्मचारी मौके पे पहुँचे और जरीब से इस रोड की पैमाइश की है, या यूं कहें कि जो प्रेमचंद यादव का घर है उसकी चौहद्दी को नापे और इस रास्ते को भी उन्होंने नापा जोखा। और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि प्रेमचंद यादव ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, जिसको कब्जा मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कल देर शाम एक बुलडोजर बुलवाया था, लेकिन रात होने की वजह से यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बताया जाता है कि आगामी कुछ दिनों में प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में उमा शंकर भट्ट जुड़ गए हैं संवाददाता। उमा शंकर, प्रशासन की जांच में क्या बड़े खुलासे हुए हैं और साथ ही बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है, कब तक कार्रवाई होगी? देखिए, सोमवार की घटना के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन ने देर शाम तक राजस्व की एक बड़ी टीम गठित की, जो मृतक प्रेमचंद यादव के घर की पैमाइश की, जमीन की पैमाइश की, उसमें कुछ अवैध अतिक्रमण पाया गया है जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन की हरी झंडी मिलते ही यहाँ पे बुलडोजर जैसा एक्शन होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात रही कि ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि शासन से इनको हरी झंडी मिल गई है, कल देर शाम तो एक्शन लेने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी।